तो दोस्तों ये एस लेवल इंडिकेटर जो कंट्रोल पैनल है फॉर ESP के लिए है, ये देखिए अभी ऑन करूँगा। और ये जो प्रॉप है एस इंडिकेटर का जो सेंसर है, प्रॉप जो एस हॉपर में लगा रखा रहता है, जो एस को हाई लेवल लो लेवल को जो इंडिकेशन करता है, तो वही सेंसर है, प्रॉप है एस का। और ये है फील्ड का जो पैनल, यहीं से इसको इंडिकेशन मिलता है। इसको भी चालू करूँगा, अभी इसका ऑन करूँगा, पैनल अभी ऑफ है। ठीक है, तो चालू करते हैं। ये देखो दोस्तों, पैनल चालू कर दिया है। ठीक है, इधर भी तो फील्ड में रहता है, हम लोग फील्ड से इधर ला के कर रहा हूँ, अभी टेस्टिंग फील्ड में लग जाएगा। अभी इसको ऑन किया है, इधर भी ऑन हो गया है। इसका इसमें जो कनेक्शन आता है इस पैनल में, ये देखिए, ये जो एकदम लेफ्ट में जो लास्ट वाला कनेक्टर है उसी का राइट में ब्लैक है और लेफ्ट में रेड है। ये सिग्नल आया है मेरा ई वाला पॉइंट से। ई वाला पॉइंट कहाँ से आया है? वो डिस्प्ले का जो RS485-1 है ना, वही यहीं से गया, जो ब्लिंक कर रहा है यहीं से आया है। कम्युनिकेशन का जो केबल, यहाँ से हम लोग कॉन्टैक्ट किए, इसको कनेक्ट करके ये देखिए इसमें कनेक्ट किए हैं, ये हो गया। अब जो प्रोप में, ये प्रोप में अभी हाई वन में दिया है, तो देखिए राइट साइड से R है, Y है, ब्लू है, ब्लैक है। ये प्रोप में भी ऐसे ही इसको जोड़ेंगे। ये जो प्रोप का केबल है, ये इधर ही देखिए कनेक्टर हम लोग जोड़ के रखे हैं, अभी प्रोप में डालेंगे इसको। तो इसको जब करना है तो इसको हवा में, मतलब ना जमीन में ना ऊपर में, मतलब आसमान में ही रहेगा, किसी के साथ टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए अभी इसे ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, ये नीला वाला हो रहा है, उधर पीला हो रहा है, वो 5 बार होने के बाद एक बार रेड होगा। ये देखिए हुआ। ठीक है, अब इसका पॉट में लगा दिया गया है, इसको आसमान में झुला दिया है। ठीक है, इसमें भी सप्लाई आ गया, देखिए ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, अभी इसको आसमान में झुला के रखते हैं हम लोग। ठीक है, अभी उधर इधर हमको लॉगिन करना है, तो 9 वाला जो बटन है इसको जब तक लॉगिन का ऑप्शन नहीं आता है उतना देर तक, देखिए उधर आ गया, अभी H1 में आ गया है, ग्रीन और रेड ब्लिंक कर रहा है। ये देखिए ये H1 का है, ये देखिए H1 है। अभी हरा वाला हो गया रिसेट, मतलब सेट हो गया। अभी इसमें लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन देखिए 9 वाला, जब तक इसका लॉगिन का ऑप्शन नहीं आएंगे तब तक हम दबाएंगे एक एक करके। देखिए आ गया, अभी इसमें 2, 5, 9 लॉगिन कर दिया। अभी ऊपर में H1 में ही है मेरा सेटिंग, ठीक है, और नीचे जो है बुश लिखा हुआ है उसमें भी 1 रहेगा, 3 में फील्ड जो 1 रहेगा, सिलेक्ट MPT वाला MPT रहेगा अभी, और 5 नंबर में 250 डाल्टा का जो वैल्यू है 250 देना पड़ेगा। अभी इसमें देखिए ये जो प्रोप का जो ओपन वैल्यू, इसमें 1 करके इसको देखिए, इसको जो खाली एनालाइज का डाटा है जो वैल्यू है वो अभी आ गया है। अब इसको 4 नंबर मानने से उधर MPT वैल्यू राइट साइड में आ जाएगा। अब राइट साइड में आ गया, अब प्रोब को हम लोग एस में डालेंगे। चलो ये वाला प्रोब को अभी जिस लिए ड्राम में हम लोग एस लेके आया है, ये हॉपर का है ना,
अभी प्रूफ को एस में डालेंगे। अभी क्या हो रहा है, अभी देखिए अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी सेंसरिंग कर रहा है, उधर हरा बाकी है और इसका नंबर पड़ रहा है, कम रहा है, जो भी हो रहा है होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी उधर वो जो हरा बाती है वो ब्लैक रेड हो गया, बात करते करते रेड हो गया। इधर भी लेफ्ट साइड में जो नंबरिंग आ रहा है वैल्यू, वो जब तक बातें कमते रहेगा उसको, जब तक नहीं रुकता है तब तक देखना पड़ेगा हमको। टू पॉइंट एट तक इसको बढ़िया होगा और एनपीटी वैल्यू 2.4 वैल्यू अच्छा है, उससे ज़्यादा होगा तो प्रूफ खराब होगा। और जो एस में डालने के बाद जो 2.8 से ज़्यादा होगा तो खराब होगा, उससे नीचे रहेगा तो ठीक है। अभी देखते हैं कितना रुकता है। तो देखिए ये 2.58 है, इसका मतलब प्रूफ अच्छा है। अभी इसको क्लियर कर देंगे फिर दूसरा वाला टेस्ट करेंगे। तो क्लियर करने के बाद देखिए हाई वन में एफ आ गया, मतलब फुल है, मतलब एस फुल है। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके एस लेवल इंडिकेटर का जो प्रूफ है इसको टेस्ट किया जाता है। गुड बाय।